अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप वो लेक्चर जाके ले सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। ठीक है, आज हम कन्वेक्शन की एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस क्या हैं? कन्वेक्शन एंड बर्ड्स ग्लाइडिंग। बर्ड्स ग्लाइडिंग क्या? परिंदे जो हवा में उड़ते हैं, कलाबाजियां खाते हैं, कन्वेक्शन का और उनका क्या ताल्लुक है? बर्ड्स सच एज काइट्स, हॉक्स, वल्चर्स एंड गल्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस फिनोमना। इन बर्ड्स जिनके नाम लिए गए हैं ये इस फिनोमना का फायदा उठाते हैं। वाइल ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग के वक्त अ बर्ड डज नॉट मूव इट्स विंग्स। ग्लाइडिंग के वक्त एक परिंदा जो है वो अपने परों को नहीं हिलाता, बट ग्लाइड्स ऑन एयर करंट्स। लेकिन एयर करंट्स, हवा के जो करंट्स हैं, हवा की जो ऐसे करके वेव्स सी हैं, उसके ऊपर वो ग्लाइड कर रहा होता है। बर्ड्स सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी बाय डूइंग सो। ऐसा करने से बर्ड्स जो हैं वो अपनी बहुत सारी एनर्जी बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेडिएटर। अ रेडिएटर पुट्स वार्म एयर आउट एट द टॉप एंड ड्रॉज इन कूलर एयर एट द बॉटम। रेडिएटर जो है वो क्या कर रहा है? वार्म एयर बाहर निकाल रहा है, टॉप पे कर रहा है, और कूलर एयर जो है वो बॉटम पे लेके जा रहा है। इसी तरह ये साइकिल एक बन रहा है। ठीक है, बार बार ये ऐसे ही साइकिल होगा और इस तरह से पूरा वार्म अप हो जाएगा। स्टीमिंग कप ऑफ हॉट टी। द स्टीम यू सी व्हेन ड्रिंकिंग अ कप ऑफ हॉट टी इंडिकेट्स दैट हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द एयर। जब आप कोई भी कप ऑफ हॉट टी, अगर गर्म चाय का कप है वो आप पी रहे हैं, आप देख रहे होंगे उसमें से भाप निकल रही होती है, वो इस बात को इंडिकेट करती है, इस बात की तरफ इशारा करती है कि हीट जो है वो एयर में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, उसके बाद है आइस मेल्टिंग। आइस मेल्ट्स बिकॉज हीट मूव्स टू द आइस फ्रॉम द एयर। आइसक्रीम मेल्ट होती है या आइस मेल्ट होती है, बर्फ मेल्ट होती है, वो किस बात की तरफ इशारा करती है कि हवा से जो हीट है वो आइस में मूव हो रही है और आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। नेक्स्ट है हाउस होल्ड वेंटिलेशन। हाउस होल्ड वेंटिलेशन कैन मेक आवर हाउस कूल। वेंटिलेशन जो है वो हमारे घरों को ठंडा रखती है। द एयर विच वी ब्रीथ आउट इज वार्मर एंड लाइटर। ऐसी हवा जिसके अंदर हम सांस लेते हैं वो गर्म होती है, हल्की होती है। इट राइजेज अप एंड मूव आउट थ्रू आर वेंटिलेटर। ये ऊपर की तरफ उठती है और वेंटिलेटर के जरिए बाहर निकल जाती है। डोमेस्टिक वाटर हीटर। डोमेस्टिक वाटर हीटर क्या है? ये इन अ डोमेस्टिक वाटर हीटर वाटर इज हीटेड इन द बॉयलर। पानी जो है वो बॉयलर में गर्म किया जाता है बाय गैस बर्नर, गैस बर्नर के जरिए या फिर हीटिंग कॉयल। ठीक है, आगे है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर क्या है? एसी। एन एयर कंडीशनर ऑल्सो यूजेज कन्वेक्शन करंट्स टू कूल अ रूम। एसी जो है ये भी कन्वेक्शन को यूज करता है, कन्वेक्शन करंट्स को यूज करता है ताकि एक कमरे को ठंडा किया जा सके। ठीक है, यहां तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।